कहानी फिर से उसी दौर में लौट रही है जब ऋषि और लक्ष्मी के बीच मलिष्का कबाब में हड्डी बना करती थी, क्योंकि आज भी वही झलक नजर आई। जब ऋषि अस्पताल में सदमे में बैठा हुआ था, तब लक्ष्मी उसे दिलासा देने पहुंची। लक्ष्मी जब उसके करीब आई तो उसने ऋषि का हाथ थामा, लेकिन अभी दोनों ने ज्यादा वक्त साथ बिताया नहीं कि मलिष्का वहां आ टपकी। फिर देखिए कैसे मलिष्का ने लक्ष्मी को साइडलाइन कर दिया, जैसे दूध से किसी ने बाल निकाल लिया हो। बात दरअसल ये है कि ऋषि की माँ नीलम अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि पारो की गलती के कारण उन पर शीशा गिर गया था, जिसके कारण वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इसी सदमे में ऋषि डूबा हुआ है कि आखिर उसकी माँ कब ठीक होगी। एक तरफ ऋषि और लक्ष्मी की अलग चिंता है, वहीं मलिष्का की चिंता डबल हो गई है, क्योंकि मलिष्का को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि भला लक्ष्मी ऋषि के करीब क्यों आ रही है। मलिष्का का तो काम ही है ना, उसी चीज के पैसे मिलते हैं उसको। जहाँ भी ऋषि लक्ष्मी होंगे वो बीच में आएगी ही आएगी। शी इज लाइक छोड़ो, बट हाँ तो मलिष्का अपना काम कर रही थी, बट फिर वहाँ मेरा कर्तव्य भी है कि मलिष्का को साइड करना। अब अगर चाय अच्छी बनी है तो मक्खी का क्या काम है उस चाय में ना। मलिष्का अब जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी, हालांकि वो लक्ष्मी का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मलिष्का के गुस्से का शिकार पारो जरूर बन जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।